हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज़। सो गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि पेमेंट से रिलेटेड अपनी एंट्रीज को कैसे हम ट्रांजेक्शन्स के अंदर डालते हैं, कैसे वाउचर्स के अंदर डालते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिसिप्ट वाउचर की। जैसे कि नाम से भी क्लियर हो रहा है कि रिसिप्ट यानी कि जो चीज़ें हमें रिसीव हो रही हैं उसको हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर डालेंगे, जो कि हम F6 की के अंडर डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। 4 एंट्रीज है, जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर ऑफ द कंपनी मिस्टर संदीप 25,000 रुपीज़। तो इस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर डालेंगे। वैसे भी इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि कैश रिसीव यानी कि रिसीव हो रहा है हमें कुछ। नेक्स्ट के अंदर भी कमीशन रिसीव यानी कि कुछ रिसीव हो रहा है, और उसके बाद है रिसीव फ्रॉम राकेश, अब हम किसी पर्सन से रिसीव कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव कि हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो दैट मीन्स रिसिप्ट से रिलेटेड, रिसीवमेंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी F6 के अंदर जाएंगी। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टैली को ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रेस F3 देन क्रिएट अ कंपनी। तो मैं यहाँ पे इसका नेम भी रिसिप्ट ही रख रही हूँ, रिसिप्ट वाउचर। तो स्टेट हम पंजाब ले लेते हैं, और बाकी की आप सारी चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट करवा लें। और फर्स्ट टू को यस रहने दें, बाकी सारों को एज इट इज ही रहने दें आप। तो गाइज, यहाँ पे अब मैं वाउचर्स के अंडर आ रही हूँ। लेजर्स हम साथ साथ ही क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था। तो अब मुझे क्या है, फर्स्ट एंट्री डालनी है, यानी कि फर्स्ट एंट्री है मेरे पास कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर ऑफ द कंपनी मिस्टर संदीप, यानी कि मिस्टर संदीप से हमें कुछ कैश रिसीव हो रहा है, यानी कि जो ऑनर ऑफ द कंपनी है वही अपनी कंपनी के अंदर पैसे डाल रहे हैं। तो 25,000 है, तो इसको हम रिसिप्ट वाउचर यानी कि F6 की, जैसे ही मैंने प्रेस की यहाँ पे आपको रिसिप्ट का ऑप्शन ओपन हो गया है, और नंबर 1 यानी कि फर्स्ट नंबर वाउचर के अंदर ही डाल रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे क्रेडिटर के अंदर आपके जो भी आपके एक्सपेंसेस है यानी कि जो चीज़ आपको रिसीव हो रही है वो सब आप इसी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट के अंदर डालूंगी, मिस्टर संदीप का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मिस्टर संदीप ये अंडर आएगा मेरे कैपिटल अकाउंट के, तो अंडर इसको डाल देते हैं हम कैपिटल अकाउंट के, और बाकी चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। और जो मेरा अमाउंट है वो है 25,000। और डेटर के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे कैश, क्योंकि मुझे एज अ कैश की फॉर्म में इसको ट्रांजेक्ट करना है। तो नरेशन आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर लो। तो इसके बाद मेरी नेक्स्ट एंट्री है कमीशन रिसीव्ड ₹9,000। तो यहाँ पे मुझे कुछ कमीशन मिल रहा है, जैसे कि ₹9,000 का। तो टैली के अंदर यहाँ पे रिसिप्ट नंबर 2 आ गया है। क्रेडिट के अंदर मुझे यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है, कमीशन नाम का ही एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ मैं। तो गाइज, ये आपका आएगा, देखो कमीशन आपको रिसीव हो रहा है यानी कि इनडायरेक्टली आपकी एक इनकम हो रही है। तो इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, इनकम्स नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा लो। और यहाँ पे अमाउंट डाल दो ₹9,000। और डेटर के अंदर हम इसको डालेंगे, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे कोई कैश या फिर कैश भी नहीं मेंशन, चेक भी नहीं मेंशन। अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो आप इसको कैश भी डाल सकते हो और चेक भी डाल सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे कैश ही ले रही हूँ। देन हमारी आ जाती है थर्ड एंट्री, यानी कि रिसिप्ट फ्रॉम राकेश। अब मुझे किसी पर्सन से ही पेमेंट मिल रही है, मतलब रिसीव हो रही है पेमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पर्सन का लेजर क्रिएट करना है, जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। देखो, जो भी पर्सन होते हैं वो सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मिस्टर राकेश का कर रही हूँ, ये मेरा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको एज इट इज एक्सेप्ट करवा लेते हैं। और जो मेरा अमाउंट है 12,000, इसको मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे। और डेटर के अंदर मुझे मेंशन नहीं है कि बैंक के थ्रू आए हैं या किसके थ्रू आए हैं, तो यहाँ पे हम एज इट इज कैश ही रखेंगे। तो यहाँ पे मेरी लास्ट एंट्री है डिस्काउंट रिसीव ₹550, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो इसको भी हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही डालेंगे। तो क्रेडिट के अंदर मेरा यहाँ पे लेजर आएगा, जो कि मुझे क्रिएट करना है डिस्काउंट का। तो लेजर का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, लेट मैंने रख दिया डिस्काउंट रिसीव। और ये भी मेरा क्या है, मेरे इनकम हो रही है, तो इसको भी मैं इनकम के अंदर डाल दूंगी, और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करवा लिया। और यहाँ पे अमाउंट डाल दो आप, जैसे कि मुझे ₹550 का था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ₹550 डाल देती हूँ। और डेटर के अंदर मुझे एज अ कैश की फॉर्म में ही रखना है इसको, तो कैश डाल दो, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करो। सो इस तरह से आप अपनी रिसिप्ट की कुछ एंट्रीज को डाल सकते हो। लेट्स चेक द बैलेंस शीट, और F1 करके आप इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने कितने अमाउंट
डाले हैं सन्डरी क्रेडिटर, कौन कौन से हैं आपके, करंट पीरियड तक अपना आपका कितना बैलेंस बचा है, कैश इन हैंड कितना है, अगर बैंक की एंट्रीज हो तो वो भी आपको यहाँ पे शो कर देती है। सो होप श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, द लिंक्स आर गिवन बिलो। थैंक यू।